लोग आज इलेक्ट्रिसिटी में आगे पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक तरह का ये एनर्जी है जो जमा हो जाता है किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो कहीं पर भी जब एनर्जी जमा होता है इसका मतलब वर्क डन होता है, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही है जो एनर्जी जमा होता है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कौन सा वर्क डन होता है, कैसे वर्क डन होता है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज लिया है ना, ये एक पॉजिटिव चार्ज लिए और यहाँ पर चार्ज है 1, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे कि कोई बल्ब जलता है तो उसका लाइट बहुत दूर तक फैलता है, जहाँ तक लाइट फैलता है ना उसको बोलते हैं उसका वो फील्ड है। उसी तरह से अगर एक हीटर यहाँ पर लगा दें तो हीटर का जो हीट एनर्जी करने के लिए हमको हीटर को छूना नहीं पड़ता है, दूर से ही हमको हीट एनर्जी मिलता है और उससे दूरी हम लोग देखते रहते हैं कहाँ तक हीट एनर्जी आता है। तो जितने एरिया में चारों तरफ वो हीट एनर्जी हमको मिल रहा है वो पूरा एरिया उस हीटर का जो है एरिया कहलाएगा, है ना, उसका प्रभाव क्षेत्र कहलाएगा, इम्पैक्ट एरिया कहलाएगा, ठीक है ना। तो उस जैसे हम मैग्नेट अगर रख देते हैं तो मैग्नेट से अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, इसके लिए हम मैग्नेट के पास जाना जरूरी नहीं है। मैग्नेट का एक प्रभाव क्षेत्र होता है, दूर से वो किसी चीज़ को खींच लेता है या दूर से ही किसी को रिपेल होता है। तो उसके चारों तरफ का एक एरिया होगा, जिस एरिया में आने के बाद अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उस मैग्नेट के चारों तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट से निकल रहा है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वैसे मैग्नेट का जो प्रभाव एरिया है उसके चारों तरफ जो जहाँ तक उस मैग्नेट का प्रभाव जाता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसी तरह से चार्ज, अगर हम यहाँ पर एक चार्ज रखें यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये क्या है 1 कूलम है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर रखें, तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा या दूसरे नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका एक एरिया होगा, इसका एक एरिया होगा इसके चारों तरफ जहाँ तक जहाँ पर वो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। तो मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसका प्रभाव एरिया ये है, ठीक है, ये प्रभाव एरिया है। इसी प्रभाव एरिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का जो प्रभाव क्षेत्र होता है ना, जहाँ तक कि उस चार्ज का प्रभाव पड़ता है, उस चार्ज का महसूस किया जा सकता है, उस चार्ज को हम फील कर सकते हैं, है ना, उस एरिया को, उसके चारों तरफ का जो एक एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। तो ये चूंकि इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए ये जो प्रभाव क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ये जो चारों तरफ का एरिया है। अब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इससे कोई रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखेंगे तो इससे कोई रिपल्सन नहीं होगा, या यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखेंगे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। इस बाउंड्री के बाहर पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हम चार्ज को रख देंगे तो इससे ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, क्योंकि वो उसका प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। प्रभाव क्षेत्र से बाहर के एरिया को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। प्रभाव क्षेत्र से बाहर के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो ये एरिया है, ये इम्पैक्ट एरिया है जिसमें जो है ये 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव है, ये हमने मान लिया। और इसके बाहर कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, इसके चारों तरफ पूरा दुनिया कहीं भी रख दो, ये पॉजिटिव चार्ज रखो चाहे नेगेटिव चार्ज रखो, कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन तभी डेवलप होगा जब हम पहली बार इस बाउंड्री पर पहुंचेंगे। इस बाउंड्री पर अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो रिपल्सन हो जाएगा,
इस बाउंड्री के अंदर आएंगे तो रिपल्सन और बढ़ता जाएगा, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर हम अगर कुछ भी रखते हैं पॉजिटिव चार्ज, कितना भी पॉजिटिव चार्ज हो जाए, बड़ा छोटा, किससे बड़ा हो इससे छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो रिपल्सन नो अट्रैक्शन, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज हम इस बाउंड्री के बाहर रखते हैं तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इस बाउंड्री पर उसको हम लेकर के आएंगे तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज लेके आए हैं तो, और अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आए इस बाउंड्री पर तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा कि ये जो चार्ज का एक इम्पैक्ट एरिया होता है, चारों तरफ उसका एक प्रभाव क्षेत्र होता है, इफेक्टिव एरिया होता है, उस प्रभाव क्षेत्र में जब कोई चीज़ आएगा तभी रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस प्रभाव क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। तो चूंकि ये जो प्रभाव क्षेत्र बना है ये इलेक्ट्रिसिटी के चलते बना है, चार्ज के चलते बना है, इस चार्ज का ये प्रभाव क्षेत्र है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आएगा कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज या डाई पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो रिपल्सन होगा, कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, इसको टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज उसको बोलेंगे जो लेकर आएंगे, ठीक है, इसको टेस्ट चार्ज नहीं बोलेंगे। अब क्या बताए थे अभी कि इस बाउंड्री के बाहर कहीं भी हम रखें, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम लोग पॉजिटिव चार्ज है, ये वन कूलम है, ये ठीक है, उसको रखें हम बाहर, ये भी वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इससे बाहर रख दिए उसको हम, तो ये जो यहाँ रखे हैं इसको बोलते हैं इन्फिनिटी पर है, इसलिए बोलते हैं इन्फिनिटी पर है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज है, जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है ये टेस्ट चार्ज है, जो इन्फिनिटी पर जो रखा हुआ है, इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी पोजिशन हो उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो रिपल्सन नो अट्रैक्शन, ठीक है। अब जब हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं क्योंकि इसी से टेस्ट कर रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से क्या होता है, तो जैसे इस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आएंगे तो यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस बाउंड्री पर आएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन होने लगेगा, यहाँ तक कुछ नहीं होगा, यहाँ तक आने में ये जो आ रहा है नो फोर्स, कोई फोर्स नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन शुरू हो जाएगा, क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। जैसे ही इस चार्ज को हम लाएंगे, जैसे ही इस चार्ज को उठा के लाते जाएंगे, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से ले आएंगे, कोई इसको अपोज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, वो इस बाउंड्री पर आएगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो बाउंड्री है वहां पर जैसे ही आएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाएगा, ठीक है। अब जब फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाएगा तो इसको तो अंदर, अब इसके अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको, इस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हमको लेकर आना है यहां तक, इसको यहां तक लेकर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस फोर्स ऑफ रिपल्सन का विरोध करना होगा, यानी उसके ऊपर वर्क करना होगा, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज उस फोर्स का विरोध करते हुए वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करते जाएंगे वो धीरे धीरे आते जाएगा। तो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखे हुए चार्ज के पास लाने में जितना वर्क डन होता है, जितना वर्क डन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को जब दूसरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर आते हैं तो इसको लाने में फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप होता है, तो उस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट इसको इस के पास लाने में वर्क करना पड़ता है। यही वर्क जो है एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जमा हो जाता है। तो जैसे जैसे इस इधर आता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन करता जाएगा, जब इसके एकदम नज़दीक आ जाएगा तो मैक्सिमम वर्क डन होगा, क्योंकि जितना नज़दीक आएगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसलिए उसका अपोजिंग फोर्स लगा के उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। इसलिए जितना नज़दीक आएगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। तो टोटल वर्क डन जो हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में, उस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन हुआ वो एज ए एनर्जी स्टोर हो गया, एज ए एनर्जी स्टोर हो गया टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। यही जो स्टोर्ड एनर्जी है ड्यू टू द वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन इन मूविंग आवर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग समझ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो का सिंबल जो होता है वो भी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? वी। और उसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, और क्या क्या, क्या ला रहे हैं हम लोग? 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं यहां पर, 1 कूलम चार्ज को यहां पर ला रहे हैं। ठीक है, तो यही देखना होगा ना कि 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वोल्ट का पोटेंशियल वर्क डन कितना होता है। तो जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि 1 कूलम चार्ज को अगर 1 कूलम चार्ज के पास लाने में 1 जूल का वर्क डन होता है, 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को इस 1 कूलम चार्ज के पास लाने में 1 जूल का वर्क डन होता है। ठीक है, 1 जूल का वर्क डन होता है। तो 1 जूल पर कूलम हो गया, 1 जूल पर कूलम। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया यहां पर? यहां पर जो है 1 कूलम को, 1 कूलम को जब हम लाते हैं इस 1 कूलम के पास लाते हैं तो वर्क डन कितना होता है? 1 जूल। वर्क डन कितना होता है? 1 जूल। ठीक है, और कितने चार्ज को हम लोग लाते हैं? 1 कूलम। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में एक पॉइंट से, एक इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक स्टैटिक पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल को डिनोट क्या चीज से करते हैं? तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो या पोटेंशियल लिखो, तो क्या चीज लाते हैं हम लोग वर्क डन करना पड़ता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज।
यही तो फॉर्मूला हुआ ना, पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना भी चार्ज हो उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आएंगे, कितना भी चार्ज हो वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। यहाँ पर हम वन कूलम लिए हैं, कितना भी चार्ज हम ले सकते हैं और उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आएंगे, ठीक है, उतना भी चार्ज जितना मन हो उतना चार्ज ले लेंगे, उसको हम लेकर के आएंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। तो एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास ला रहे हैं, तो एक चार्ज जो इन्फिनिटी पर है उसको हम ला रहे हैं इस चार्ज के ऊपर जो हमारे पास रखा हुआ है। तो इसमें वर्क डन करना पड़ा, तो जितना वर्क डन, तो हमको मालूम है कितना वर्क डन करना पड़ा, वो हम मेजर कर लेंगे। तो वर्क डन किसके लिए किया, जितना कूलम चार्ज को हम लाएंगे उसके लिए ना वर्क डन हुआ। तो इसीलिए क्या करेंगे, टोटल वर्क डन को हम टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे, यानी इस दोनों का रेशियो हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी भी बोलते हैं, वर्क डन ही ना जो है एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, तो एनर्जी बाय चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, वी। वर्क डन का सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू। चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, वी इक्वल टू एनर्जी बाय चार्ज, एनर्जी बाय चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू। चार्ज का सिंबल क्यू होता है, ठीक है। तो अब जो है जैसे ये एक्सपेरिमेंट किए तो हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल कितना होता है। तो हम लोगों ने चार्ज कितना लाया है, चार्ज हम लोगों ने लिया है वन कूलम। वन कूलम को, इस वन कूलम को यहां तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, यहां से यहां तक तो कोई वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि अपोज नहीं किया कोई, जब तक अपोज नहीं होता तब तक वर्क डन नहीं होता। यहां से अपोजिंग शुरू हो गया, यहां से वर्क डन शुरू हुआ, और यहां तक लाने में वन कूलम को यहां तक लाने में वर्क डन कितना होता है, वन जूल का होता है। कितना होता है, वन जूल का होता है। तो इसीलिए ये हो गया वन जूल पर कूलम, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वन वोल्ट, वन जूल पर कूलम, वन जूल पर कूलम, है ना। एक कूलम को हम इन्फिनिटी से जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आते हैं तो एक जूल का वर्क डन होता है, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल जमा हो जाएगा, वन वोल्ट के बराबर। कितना जमा होगा, वन वोल्ट के बराबर, वन वोल्ट मतलब वन जूल पर कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए, ठीक है, इस तरीके से हम समझ गए वन वोल्ट किसको बोलते हैं, वन वोल्ट का मतलब हुआ वन जूल पर कूलम, वन जूल पर कूलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, वो भी यही चीज है और कुछ नहीं है। जैसे एक सर्किट है, ठीक है, जैसे बैटरी है, ये बैटरी है ना, ये बैटरी है, इसमें दो रॉड लगा हुआ है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हाँ, ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, अब बीच में रेसिस्टेंस कुछ लगा देंगे, ठीक है, ये जोड़ दिया है, यहाँ बल्ब मान लो कि बल्ब है ना, तो यहाँ से चला नेगेटिव आ गया, ये बैटरी है। तो हमको इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिखता है, मतलब क्या है, एक पॉइंट यहाँ है सर्किट में, दूसरा पॉइंट सर्किट में यहाँ है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है वन कूलम है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वन कूलम है, तो दोनों
वन कूलम्ब है। अब इस मान लेते हैं कि इस वन कूलम्ब को लेकर के हम यहां पर आते हैं, इंफिनिटी पर नहीं है, एक सर्किट में ही दो पॉइंट है, एक सर्किट में ही दो पॉइंट है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम चार्ज को लेंगे। ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल है, पहले तो सीखे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, इस तरह से बहुत सारा पॉइंट होगा, सब जगह हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी हम लोग पहले क्या सीखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आते हैं तो जो उस चार्ज को लाने में वर्क डन होता है उस पॉइंट पास, वो एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा पॉइंट मिलेगा एक सर्किट में, तो हर पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन कर लेंगे। उसके बाद जो है इस तरह का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, सो कोई दो पॉइंट को हम चूज कर लेंगे, कोई दो पॉइंट को चूज कर लेंगे सर्किट में, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो है चार्ज का मूवमेंट करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज का मूवमेंट करेंगे। अब ये जो चार्ज का मूवमेंट होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, यहाँ भी तो वर्क डन होगा, यहाँ भी तो वर्क डन होगा। जैसे कि मान लो ये सर्किट है, ये सर्किट है, सर्किट का एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अब यहाँ से हम जो है इधर लेके आ रहे हैं चार्ज को, है ना, किसको लेके आ रहे हैं, चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में वर्क डन होगा कि नहीं, वहां से वहां तक लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में वर्क डन होगा, ठीक है। ये जो वर्क डन हो रहा है, यही वर्क डन जो है एज ए पोटेंशियल यहां जमा होने लगेगा। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है उसके डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जब ये इधर आ रहा है तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जहां से वो चला, जिस पॉइंट से वो चार्ज चला, उस पॉइंट का पोटेंशियल धीरे धीरे खर्च होगा ना, क्योंकि उस चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ रहा है। तो जो पोटेंशियल जमा है उस एक पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल जमा है, और यहां से हम जो है चार्ज को लेकर इधर आ रहे हैं, यहां से जो चार्ज इधर चला, उस चार्ज को यहां से इधर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो यहाँ पर स्टोर है वही खर्च होगा ना। इसलिए इस पोजीशन का जो एनर्जी है यानी पोटेंशियल है वो घटेगा, क्योंकि वो यूज होगा इसको इधर लाने के लिए। तो ये जो घट रहा है वो इसके यहाँ जो ये जो चार्ज आ रहा है, इस चार्ज के ऊपर वो पोटेंशियल के रूप में जमा होते जा रहे हैं, और आते आते यहाँ आ गए, तो यहाँ आते आते उसका पूरा वर्क डन हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना वर्क डन हुआ वो एज ए पोटेंशियल यहां बढ़ गया, ठीक है ना, एज ए पोटेंशियल बढ़ गया, पहले जितना पोटेंशियल था उससे ज्यादा पोटेंशियल अब हो जाएगा, क्योंकि इधर से एनर्जी ट्रांसफर हो गया यहाँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेके आए। तो पहले से हमको मालूम है यहाँ पोटेंशियल कितना है, यहाँ पोटेंशियल कितना है, दोनों जगह पोटेंशियल है। तो जिधर हाई पोटेंशियल है, जिधर हाई पोटेंशियल है उधर से जो है पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट लो पोटेंशियल के तरफ होता है। तो ये हम बता रहे हैं कि इधर से इधर मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और इस पॉइंट का पोटेंशियल लो है ना, ये लो पोटेंशियल है, ठीक है, ये यहाँ लो पोटेंशियल और यहाँ पर हाई पोटेंशियल। ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि हाई से लो की तरफ चलता है पानी, ऊंचा से नीचे गिरता है, जिसके पास ज्यादा पैसा आता है कम पैसे वाले के तरफ जाता है वो फ्लो होता है, ठीक है, जिसके पास धन ज्यादा होता है वो दान करता है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाता है ही है, ठीक है ना। हवा जो बहती है वो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ बहती है, हवा जो विंड फ्लो जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का मूवमेंट होगा, लेकिन ये जो मूवमेंट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, ये जो मूवमेंट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ कराने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन कराने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो इसका धीरे धीरे पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि इधर आने में इसको वर्क करना पड़ रहा है, और इधर आके यहाँ पर
सारा जमा हो जाएगा, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये मूवमेंट ऑफ चार्ज तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर नहीं हो जाए। दोनों का पोटेंशियल जैसे ही सेम होगा मूवमेंट ऑफ चार्ज रुक जाएगा, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ चार्ज कब रुकेगा? जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल धीरे धीरे घटता जाएगा और इसका बढ़ता जाएगा, एक समय होगा दोनों बराबर हो जाएगा तो मूवमेंट ऑफ चार्ज रुक जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज होने के लिए दो पॉइंट के बीच में अलग अलग पोटेंशियल होना चाहिए। तो दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ले जाने में जितना वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में जाना जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिनोट करते हैं भी से। तो इसमें क्या हो गया, मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल हाई पोटेंशियल ये हो गया भी वन, ये हो गया भी टू। इसका पोटेंशियल भी वन है, इसका पोटेंशियल भी टू हो गया, ठीक है। तो भी इक्वल टू हो जाएगा भी टू माइनस भी वन, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना रहेगा ना उसके बराबर ही ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से ही डिनोट करते हैं, वी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस में भी डेफिनेशन क्या है कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जितना वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां भी तो वही चीज हो गया, यहां पर क्या हो रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है और इसमें जो वर्क डन है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसके पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बोले थे, इन्फिनिटी से एक चार्ज को हम पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आते हैं, उसमें जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल। तो डिफिनेशन तो दोनों का लगभग सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्फिनिटी से लेके आते हैं चार्ज को, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। दोनों में तो वर्क डन ही होता है, और वर्क डन किस लिए होता है, चार्ज को लाने में। तो अब देखना पड़ेगा ना कि कितना चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करा रहे हैं, कितना चार्ज को, और इस चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो रेशियो उसी का हो गया, वर्क डन एंड चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पी डी भी लिखते हैं शॉर्ट में, पी डी पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पी डी लिखो या मन हो तो तुम भी लिखो, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, और यही वर्क डन एनर्जी के रूप में जमा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई वाई क्यू भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमको दो फॉर्मूला मिल गया, वी इक्वल टू डब्ल्यू वाई क्यू एंड वी इक्वल टू ई वाई क्यू, ठीक है। एक हो गया पोटेंशियल और दूसरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ लिए। अब इसके ऊपर थोड़ा हम लोग जो है क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। और हाँ, और एक चीज़ है कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच में ना पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। तो उस दोनों पॉइंट के बीच में पैरेलल हम इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो कि ये पॉइंट, ये रेसिस्टेंस है, बल्ब है, पंखा है, जो भी है, इस दोनों पॉइंट के बीच में हमको नाप निकालना है। तो वोल्ट मीटर को हम इसको पैरेलल में लगाएंगे, ये वोल्ट मीटर हो गया, ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। जरा मान लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो पोटेंशियल है ना, वोल्ट मीटर को जोड़ दिए। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं। इसीलिए जिस दोनों पॉइंट के बीच में जोड़ना है, जिस दो पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दोनों पॉइंट से वायर एक एक निकाल लेंगे,
अगर वायर यहाँ से निकालेंगे एक टर्मिनल जोड़ देंगे, दूसरे पॉइंट से निकाल करके नेगेटिव से जोड़ देंगे। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि ये है और उसके बगल में ये जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो हमको पोटेंशियल को नापना है, किसके पोटेंशियल को नापना है? ये दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है इसको नापना है, इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नापना है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि उस दोनों पॉइंट के बीच में करंट का फ्लो होना चाहिए, इस दोनों पॉइंट के बीच में करंट का फ्लो होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल, ये जो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर में वेरी हाई रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, वेरी हाई रेसिस्टेंस, समझ गए? क्यों वेरी हाई रेसिस्टेंस का लगा देते हैं? ताकि वोल्ट मीटर के थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं हो, क्योंकि हमको वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना है, हमको वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस सर्किट का इस दोनों पॉइंट के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस हमको इस दोनों पॉइंट के बीच का निकालना है, लेकिन इस का हमको कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना है वोल्ट मीटर का। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल जोड़ देते हैं। पैरेलल जोड़ने से क्या हो गया, और पैरेलल जोड़ दिए तो अब जब करंट इधर से आएगा, ठीक है, ये जो करंट आएगा तो करंट यहाँ पर आने के बाद उसको एक सर्किट इधर मिलेगा और एक सर्किट ऐसे मिलेगा, दोनों में बट जाएगा ना, इसमें और इसमें बढ़ जाएगा, तो कुछ करंट तो चला जाएगा इसमें, उसको तो ये वोल्ट मीटर नहीं नाप पाएगा। जो करंट वोल्ट मीटर के थ्रू भाग जाएगा, जो पास हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो वो तो वोल्ट मीटर नाप नहीं पाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों के बीच का नापेगा, इधर तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलेगा क्योंकि कुछ करंट इधर से चला गया। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं कि इसके इस वोल्ट मीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वोल्ट मीटर के अंदर क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। हाई रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है कि इधर से करंट नहीं जा पाएगा, ये वोल्ट मीटर के थ्रू करंट कुछ नहीं जाएगा, सारा करंट इधर से ही निकल जाएगा। तो जब सारा करंट इधर से निकलेगा तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको नाप के बताएगा ये दोनों पॉइंट के बीच का ही नापेगा, क्योंकि कुछ भी करंट इससे नहीं गया है। ठीक है ना, इसीलिए हम एक्चुअली जो दो पॉइंट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहते हैं, जिसके लिए वोल्ट मीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ताकि वोल्ट मीटर होकर के कोई करंट का फ्लो नहीं हो, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर के थ्रू करंट का फ्लो हो जाएगा तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको एक्चुअल पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ करंट तो उधर से चला गया तो लॉस हो गया उस करंट का। ठीक है, तो वो करंट जो बर्बाद नहीं होना चाहिए इससे जाकर के, सारा करंट फ्लो होना चाहिए इधर से, इसीलिए इस वोल्ट मीटर के अंदर हाई रेसिस्टेंस लगाया जाता है, ताकि वोल्ट मीटर हमको परफेक्ट रिजल्ट दे उस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को, जिसको कि हम मेजर करना चाहते हैं। ओके, ठीक है, अब हम लोग कुछ इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।